हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लीफ निटिंग पैटर्न बनाना बता रही हूँ। ये पैटर्न जो है वो हमारा एक फंदे पर बनेगा। इस फंदे पर, ये जो बीच का फंदा है, इस पर हमारा पैटर्न बनेगा और तीन फंदे इस साइड और तीन फंदे इस साइड, ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिए। अब देखिए कैसे बनाना है। पहले तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। अब वूल को हम अपनी साइड ही रखेंगे और देखिए इस फंदे को सीधा बुनना है। अब वूल को सलाई पर लपेटकर एक फंदा बनाएंगे। ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, ये जो बीच का फंदा है इसके दोनों साइड हमने एक एक जाली डाल ली। एक जाली यहां पर और एक यहां पर। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुन लेनी है। अब फिर से सीधी सिलाई पर आए, पहले तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल पीछे की साइड ले जाएंगे और देखिए ये जो जाली का फंदा है इसको सीधा बुनेंगे, वूल अपनी साइड लाएंगे। अब इस फंदे के दोनों साइड फिर से जाली डालेंगे, इसको सीधा बुना, फिर से वूल अपनी साइड लाए, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से इस फंदे के दोनों साइड हमारी एक एक जाली आ गई। अब ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेनी है। फिर से सीधी सिलाई, पहले तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल पीछे साइड। अब देखिए ये फंदा और एक ये जाली वाला फंदा, ये दो फंदे सीधे बुनेंगे और इस फंदे के दोनों साइड फिर से जाली डालनी है। इधर भी ये दो फंदे सीधे बुने, इस फंदे के दोनों साइड हमारी फिर से जाली आई। अब ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेनी है। इस पैटर्न में सभी उल्टी सिलाइयां उल्टी उल्टी ही बुनी जाएंगी। फिर से हम फ्रंट साइड पर आए, पहले तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल पीछे। अब ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे और जिस फंदे के दोनों साइड हम जाली डाल रहे थे उसके दोनों साइड फिर से जाली डाल लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेनी है। अब देखिए फिर से हम सीधे साइड पर आ गए। फ्रंट साइड है ये हमारा, पहले तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल पीछे साइड। एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे बुनेंगे। इस फंदे के दोनों साइड फिर से जाली डालनी है। वूल को आगे लाए, इसको सीधा बुना, फिर से वूल को आगे लाए। अब चार फंदे सीधे बुनेंगे। ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। एक दो तीन चार पांच, ये हमारी पांच बार जाली पड़ गई। उल्टी सिलाई पूरी
उल्टी बुन लेनी है। अब देखिए ये इस तरह से बन गया है। एक दो तीन चार पाँच, पांच बार हमने इस फंदे के दोनों साइड जाली डाले, तो पांच फंदे हमारे इधर बढ़ गए और पांच फंदे इधर बढ़ गए, यानी 10 फंदे हमारे बढ़ गए। अब दो सलाई हम ऐसे ही बुनेंगे, एक सीधी और एक उल्टी, उसमें हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। देखिए पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, अब ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 ग्यारह, 11 फंदे सीधे बुनेंगे, वूल अपनी साइड लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। अब देखिए इस पत्ती को हमें बंद करना है, तो कैसे करेंगे? पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल पीछे ले जाएंगे, अब इस फंदे को पलट लेंगे ऐसे। अभी 2 फंदे एक साथ लेने हैं पीछे से और 2 का 1 कर लेंगे, यहाँ पर हमारा एक फंदा घट गया, ये फंदे सीधे बुनने हैं। यहाँ पर देखिए अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। अब लास्ट में यहाँ भी देखिए जो 2 सीधे फंदे हैं इन्हें हम आगे सिलेंगे एक साथ और 2 का 1 कर लेंगे, वूल अपनी साइड लाकर 3 उल्टे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। अब हम फिर से राइट साइड पर आ गए, पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को पलट लेना है, ये 2 फंदे एक साथ लेंगे पीछे से और 2 का 1 कर लेंगे। अब ये 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए जो 2 सीधे फंदे हैं इन्हें हम ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेनी है। अगली सिलाई तीन फंदे उल्टे बुने, इस फंदे को पलटा, ये 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे बुने, ये आगे से 2 का 1 किया, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। फिर से हम फ्रंट साइड पर आए, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, वूल पीछे ले जाकर इस फंदे को पलट लेंगे, ये 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ पर भी ये 2 का 1 करेंगे। देखिए ये 2 सीधे फंदे, 2 का 1 किया, वूल अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे।
उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेनी है। अगली सिलाई, पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल पीछे ले जाएंगे। अब देखिए ये फंदा, इसको हमें पलट लेना है ऐसे, और फिर लेंगे हम इसको सिलाई पर। अब ये 2 फंदे यहाँ पर देखिए, अब हमारे 3 फंदे सीधे बचे हैं, 1 2 3। ये फंदा पलट कर सिलाई पर लिया, ये 2 फंदे ऐसे लेने हैं एक साथ, और 2 का 1 करना है, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। ये देखिए वूल अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारा 1 पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब 7 फंदे हमारे बचे, जितने फंदे हम यहां पर लेकर चले थे उतने ही फंदे हमारे यहां पर हो गए हैं। अब इसी फंदे के दोनों साइड फिर से हम जाली डालते हुए इस पैटर्न को आगे डालेंगे। पैटर्न इसी तरह से डालना है जैसे हमने यहां से डाला था। देखिए मैं आपको शुरू करके बता देती हूँ। पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल अपनी साइड ही रखेंगे, और ये सीधा फंदा सीधा बुनेंगे। सिलाई पर धागा लपेट कर 1 फंदा बनाया, और ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए। यही हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो थी यहाँ पर जो हमने बुनी थी। तो इन्हीं सिलाइयों को आगे रिपीट करते जाना है, पैटर्न आता जाएगा। ये लीव्स आप छोटी या बड़ी भी बना सकती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 5 जाली डाली है, आप चाहें तो 4 जाली भी डाल सकती हैं, या आपको और बड़ी बनानी है तो आप 6 जाली भी डाल सकती हैं। इसको आप स्वेटर में ऐसे नीचे नीचे भी डाल सकती हैं। मान लीजिए ये आपका बॉर्डर है तो यहाँ पर आप इस तरह से भी डाल सकती हैं। दो लीव्स के बीच में आप जितना चाहें उतना गैप रख सकती हैं। आप चाहें तो बीच में 5 फंदे रख लीजिए, 7 फंदे रख लीजिए, 3 फंदे रख लीजिए, जितने फंदे आप चाहें उतने रख सकती हैं। आप इन लीव्स को इस तरह से भी डाल सकती हैं जैसे मैंने यहाँ पर ये डाला हुआ है। मैंने यहाँ से इसको डाला है, आप इसको बॉर्डर के बाद नीचे यहाँ से भी डाल सकती हैं। अगर आपको पॉकेट नहीं बनानी है तो पूरा आप बॉर्डर के बाद यहाँ से पूरी लाइन ऊपर तक डाल सकती हैं। यहाँ पर ये लीव्स मैंने 4 जाली वाली बनाई है, इसमें 4-4 जाली बनाई है। देखिए ये 1 2 3 4, लेकिन बनाने का तरीका वही है। आप चाहें तो छोटी बना सकती हैं, 4 जाली की, 5 जाली की, 6 जाली की, जितनी बड़ी आपको बनाना हो आप उस हिसाब से बना सकती हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल वही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोज़ आप जल्दी से जल्दी देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स for watching my channel.